बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी इन इंडिया कौन से हैं? अगर आप बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी स्प्लिट एसी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप किसी और की वीडियो देखकर मेरे इस वीडियो पर आए हैं तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सटीक गाइड दी है और हॉट एंड कोल्ड एसी के ऊपर कंप्लीट गाइड दी है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो, अगर आप एक बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी खरीदना चाहते हैं तो। नमस्ते फैमिली, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बेस्ट खरीदो पर। एक ही मोटिव है बेस्ट खरीदो का, अब से इंडिया खरीदेगा बेस्ट प्रोडक्ट हर बार। तो फैमिली में शामिल हुए कि नहीं? फैमिली में जल्दी से शामिल हो जाइए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे दबा दीजिएगा, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे भी दबा दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, जल्दी से फैमिली में शामिल हो जाइए। और जो लोग फैमिली में शामिल हो गए हैं उनका मेरा तहे दिल से शुक्रिया। अब बात कर लेते हैं बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी मॉडल इन इंडिया कौन से हैं, टॉप 5 मॉडल्स। नंबर 5 पोजीशन में मैंने 2 मॉडल रखे हैं। वैसे तो मेरा मन नहीं था कि मैं अपने व्यूवर्स को, अपनी फैमिली को ये मॉडल सजेस्ट करूं, बट ये सस्ते हैं। एक मॉडल हिताची का है, एक मॉडल वोल्टास का है। मैं बस इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूं कि ये सस्ते हैं। एक मॉडल सस्ता मॉडल टॉप 4 कैटेगरी में भी मैंने दिया है, आप वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। जस्ट उन लोगों के लिए जिनको बजट टाइट है और एक सस्ता हॉट एंड कोल्ड एसी मॉडल खरीदना चाहते हैं और जो बेस्ट भी हो, तो उनको जो मैंने आगे टॉप 4 में एक मॉडल रखा है उसके साथ कंपेयर करके आप खुद डिसीजन बना पाएंगे। हो सकता है कि ये ब्रांड्स आपके फेवरेट हों, वो ब्रांड आपका फेवरेट ना हो, तो उन लोगों के लिए भी एक कंपेरिजन करना आसान रहेगा। तो जस्ट मैं उन लोगों के लिए ही सजेस्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा कोई मन भी नहीं था कि मैं इसे आप लोगों तक पहुँचाऊँ कि आप लोग इनको समझें। तो हिताची और एक मॉडल है वोल्टास का, डिसीजन आप अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि हिताची और वोल्टास के लिए हॉट एंड कोल्ड एसी के लिए आप 3-स्टार मॉडल में, क्योंकि दोनों ही 3-स्टार मॉडल हैं, दोनों ही की आईसी रेटिंग 3.8 है। फर्क यहाँ है कि वोल्टास की जो कूलिंग कैपेसिटी है जो 100% पे वो 4800 वाटेज की है, और वहीं हिताची की 5100 वाटेज की है। तो टनेज वाइज देखा जाए तो हिताची इज मच बेटर देन वोल्टास। हिताची की कूलिंग ज़्यादा बेटर रहेगी वोल्टास से हायर समर डेज में, हायर मीन्स हायर टेम्परेचर वाले ड्यूरिंग समर डेज में। तो वहाँ पे हिताची वोल्टास से ज़्यादा बेटर वर्क करेगा कूलिंग में, क्योंकि यहाँ पे 5100 वोल्टेज की आपको कैपेसिटी दी गई है और यहाँ पर वोल्टास में 4800 की कैपेसिटी है। तो 4800 वॉट का मतलब है कि ये इसका एक्चुअल टनेज 1.36 टन है इंस्टेड ऑफ 1.5 टन। समझ रहे हैं ना? समझ गए होंगे। 5100 वोल्टेज जो हिताची की है उसकी कैपेसिटी है 1.46 टनेज। तो वोल्टास से मतलब ये नियर बाय है 1.5 टन के हिताची, ये एक डिफरेंस है। इवन जो आपका 50% कैपेसिटी है वो वोल्टास की 2400 वोल्टेज की है और आपका हिताची की वो 2600 वोल्टेज की है समथिंग। तो हिताची वहां पर भी ज्यादा बेटर कर रहा है। नॉइज लेवल दोनों का सेम है, हिताची का 33 dB है और वोल्टास का 34 dB समथिंग है। दोनों ही 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी है। फर्क यहाँ पर है कि बी रेटिंग्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, वोल्टास जो है 977 यूनिट्स पर ईयर, ये केवल बी लेबल के अकॉर्डिंग है। रियल टाइम में इससे कहीं ज़्यादा आपकी यूनिट आने वाली है, वो आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एरिया के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रूम की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रूम के स्क्वायर फीट एरिया साइज के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। और केवल ये पैरामीटर को कंपेयर करने के लिए रख रहा हूँ कि वोल्टास 977 यूनिट्स पर ईयर और हिताची 1040 यूनिट्स पर ईयर। यहाँ पे ज़्यादा इसलिए क्योंकि वोल्टेज में भी ज़्यादा है, यहाँ पे वोल्टेज कम है, इस वजह से यहाँ जिनके जिनके यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई जाता नहीं है, 44, 43, 45 डिग्री नहीं जाता है, उनके लिए वोल्टास भी बेटर रहेगा, इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जो परफेक्ट चॉइस रहेगी वो टॉप 4 में जो एक सबसे सस्ता मॉडल है, इफ इन केस आपको सस्ते के लिए जाना है तो, अदरवाइज मेरी परफेक्ट चॉइस तो 5-स्टार मॉडल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4th पोजीशन पे। नंबर 4th पोजीशन पे मैंने रखा है डाइकिन 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी, जो आपका 4.39 आईसी रेटिंग के साथ आता है, जिसमें टनेज है
100% कैपेसिटी पे 5000 वाट पे ये वर्क करता है और 2500 का मिनिमम 50% कैपेसिटी पे वर्क करता है। 5000 वाट मतलब 1.42 टनेज इसकी रियल टनेज है, तो अप टू 150 स्क्वायर फीट के लिए ये इफेक्टिवली वर्क कर जाएगा एसी। बस 44 डिग्री तक अगर टेम्परेचर जाता है तो 5000 वाटेज वाला जो एसी है और 4.39 है तो ठीक ठाक आईसीर है, तो वर्क कर जाएगा 100% कैपेसिटी पे वर्क कर जाएगा इफेक्टिवली। 81 यूनिट्स पर ईयर ये कंज्यूम करता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लेबल, और रियल टाइम यूजर्स में कहीं ज़्यादा इससे आने वाली है, कहीं ज़्यादा से मेरा मतलब है एक इन्वर्टर एसी जो लेबल पे रीडिंग दी होती है उससे डबल ही ले लेता है अगर आपका यूजेज 8-10 आवर्स का रहता है दिन में या उससे ज़्यादा जाता है तो उससे डबल ही ले लेता है, कंज्यूम करता है, क्योंकि ये जो यूनिट्स दी गई होती हैं ये 1600 आवर्स तक रन करने पर निकाली गई यूनिट्स हैं, और जहाँ पर एसी का टेम्परेचर 26 पे रख के चलाया गया है और आउटडोर टेम्परेचर 32 डिग्री पे रख तो था, तब ये एक पैरामीटर पे उस पैरामीटर पे चलाने के बाद जो यूनिट्स निकल कर आती हैं वो ये यूनिट्स हैं। अब ये तो सबको पता है 32 डिग्री हमेशा रहता नहीं है, आप लोग 26 डिग्री पर चलाते नहीं हो, इवन मोस्टली जनता नहीं चलाती है 26 डिग्री पे, मोस्टली तो 24 डिग्री पे ही चलाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो लेवल पे रीडिंग दी हुई होती है उससे कहीं ज़्यादा निकल कर आती है, जस्ट वो कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 81 यूनिट से आपकी लेगा, साथ में 1 ईयर प्लस 5 ईयर प्लस 10 ईयर की इसमें वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी, 5 ईयर की आपको पीसीबी पे वारंटी देखने को मिल जाएगी। जो खास बात है 3D एयर फ्लो मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एयर फ्लो और PM2.5 फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब डस्ट फिल्टर के साथ एक PM2.5 फिल्टर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो एक यहाँ पर अच्छी बात है। ये कन्वर्टेबल नहीं है ये ध्यान रखिएगा, 47,000 रुपीज़ प्राइस सेगमेंट के साथ ये आता है, प्राइस वेरी कर सकता है, रियल टाइम प्राइस आप नीचे लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि तब तक पहुँचेंगे तभी तो इंडिया अच्छा प्रोडक्ट खरीद पाएगा। आप अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, अगर वो लोग प्लान कर रहे हो या इन फ्यूचर प्लान करें तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और एक छोटी सी हेल्प, नीचे मैंने लिंक्स दिए हैं, आपको कभी भी शॉपिंग करनी हो तो उन लिंक्स का यूज़ कीजिए, ताकि मुझे आप अगर उन लिंक्स का यूज़ करते हैं तो आपके प्राइस को बिना चेंज किए हुए मुझे थोड़ा सा कमीशन आ जाता है, ताकि मैं इस चैनल को रन कर पाऊँ, आपके लिए अच्छी वीडियोस बना पाऊँ और इफेक्टिव तरीके से इन फ्यूचर आप लोगों के लिए काम कर पाऊँ। आफ्टर ऑल बेस्ट खरीदो बना ही आप लोगों की हेल्प करने के लिए है, प्रोडक्ट कैटेगरी में, अप्लायंस कैटेगरी में। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अगर आपको अच्छा खरीदना है तो बेस्ट खरीदो की फैमिली में भी जरूर शामिल हो जाइए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए निरंतर काम करते रहने में। जितनी बड़ी फैमिली बनेगी उतना अच्छा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और इफेक्टिवली आप लोगों के लिए काम कर पाऊँ, और अच्छे से काम कर पाऊँ। तो मुझे मोटिवेशन मिल जाए आप लोगों के लिए काम करने के लिए, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा दबा दीजिए, बेल आइकन दिखेगा उसे भी दबा दीजिए और फैमिली में शामिल हो जाइए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जितनी बड़ी मेरी फैमिली बनेगी उतना ही अच्छे तरीके से मैं काम कर पाऊँगा आप सभी के लिए। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 पोजिशन पर मैंने क्या रखा है। नंबर 3 पोजिशन पर मैंने रखा है पैनासोनिक का 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी। पैनासोनिक 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी ये आपका 4.1 आईसी रेटिंग के साथ आता है, जिसमें टनेज कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी जो है, जितनी भी मैं ये वोल्टेज बता रहा हूँ आपको, ये हीटिंग मोड की नहीं है, ये आपकी कूलिंग मोड की है। जो कन्वर्टेबल है वो भी आपका हीटिंग मोड में नहीं वर्क करेगा, वो आपका कूलिंग मोड में वर्क करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आप सो लोग सोचें कि मैं हीटिंग मोड में भी चला के कन्वर्टेबल मोड एक्टिव कर लूं, वो पॉसिबल नहीं होगा, वो कूलिंग मोड में ही पॉसिबल होगा कि आप कन्वर्टेबल का फ़ायदा उठा पाएंगे। अब यहाँ पर पैनासोनिक 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी 4.1 आईसी के साथ आता है, 5150 की इसकी 100% कूलिंग कैपेसिटी है, जो एक्चुअल रियल टनेज निकल कर आती है 1.46 टन इसकी एक्चुअल रियल टनेज है, कूलिंग का टनेज जो है वो 1.46 टन है इंस्टेड ऑफ 1.5, और 50% कैपेसिटी पे जो है इसकी
टनिश जो है कूलिंग कैपेसिटी जो है वो 2550 वाटेज समथिंग है, 961 यूनिट्स पर ईयर ये कंज्यूम करता है। कंपेयर करें तो डाइकिन से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, और बट ये जो चीज़ है ये डाइकिन से सस्ती है और कुछ इस प्राइस सेगमेंट में ये आता है। 7-in-1 कन्वर्टिबल है, वाईफाई मॉडल है, मिराया ऐप काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करेगी, आप मिराया ऐप के थ्रू अपने मोबाइल को भी रिमोट फोन रिमोट की तरह आप यूज़ कर पाएंगे। वाईफाई मॉडल है और PM.1 फिल्टर के साथ आता है, डस्ट फिल्टर के साथ एक्स्ट्रा फिल्टर PM.1 फिल्टर। तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा पैनासोनिक 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी आप लोगों के लिए बेटर चॉइस है या नहीं, पहले दो मॉडल देख लेने के बाद, वो जरूरी है देखने, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वारंटी की बात करो तो 1 ईयर प्लस 4 ईयर ऑन PCB, 10 ईयर की कंप्रेसर पे और 5 ईयर की आपकी आउटडोर यूनिट पे ये वारंटी देता है। वारंटी वाइज पैनासोनिक काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। आईसीर वैल्यू 4.1 डाइकिन से कम है, बट 4.1 ठीक है, थोड़ी कम है। टनेज वाइज डाइकिन से बेटर है, मतलब ज़्यादा हायर टेम्परेचर में जाता है, तो ये जो टनेज है आपकी कूलिंग को इफेक्टिवली वर्क करने में मदद करेगी, आपके रूम को इफेक्टिवली कूल करने में मदद करेगी, क्योंकि हायर टनेज सेगमेंट में यह आ रहा है। और वारंटी वाइज अच्छा है, अप टू 170-180 स्क्वायर फीट के रूम के लिए ये एसी अच्छा रहेगा। मैंने सेकंड पोजीशन में रखा है 3-स्टार एसी है, हॉट एंड कोल्ड एसी, गोदरेज का 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी। जो प्राइस वाइज मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इसका प्राइस बहुत सस्ता है, 39,000 रुपीज़ का ये मॉडल है, 4.1 आईसी रेटिंग के साथ आता है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 100% कूलिंग कैपेसिटी 5050 वॉटेज की है, और 50% कैपेसिटी आपकी जो है 2500 समथिंग वॉटेज की है। 5050 मींस 1.41 टनेज के करीब निकल कर आता है, रियल एक्चुअल टनेज 1.41 टन की है इंस्टेड ऑफ 1.5। 4.1 आईसीर 1.41 टनेज मींस 5050 वॉटेज, 100% कूलिंग कैपेसिटी, बट ये कन्वर्टिबल मॉडल है तो 3-स्टार लेकिन 39,000 रुपीज़ में। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 39,000 प्लस ऑयल फिल्टर का कॉम्बिनेशन बना भी सकते हो आप, अदरवाइज एक लेकिन वो नॉन इन्वर्टर एसी, जो अपना इन्वर्टर एसी है नॉन हॉट एंड कोल्ड वाला जो है नॉर्मल इन्वर्टर एसी, इसके लिए आप अगर जाते हैं तो वो कॉम्बो बना सकते हो, या फिर आप एक ये गोदरेज का 3-स्टार एसी हॉट एंड कोल्ड एसी ले सकते हो जो 39,000 रुपीज़ का ही है। नंबर 1 पोजीशन में मैंने 5-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी रखा है क्योंकि वो बेस्ट इन बेस्ट क्लास बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी इन्वर्टर एसी है, और बेस्ट हॉट एंड कोल्ड स्प्लिट इन्वर्टर एसी है, लॉयड की तरफ से है 5-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी। अब ये रखने का रीज़न क्या है, 46,000 रुपीज़ का है प्राइस, थोड़ा सा ज़्यादा है 30 मतलब जो आपके जो नॉर्मल 3-स्टार एसीज हैं, क्योंकि वो आपको 41,000-39,000 में 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसीज मिल रहे हैं, ये 46,000 रुपीज़ में है 5-स्टार। ये आईसी रेटिंग 5 के साथ आता है, काफ़ी अच्छी आईसी रेटिंग है, जो आपको अगर आप हॉट एंड कोल्ड एसी मॉडल नहीं लेते हो और 5-स्टार मॉडल नॉर्मल इन्वर्टर एसी लेते हो तो वहाँ पे भी 5 आईसी रेटिंग वाले ही मॉडल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो उनसे कंपेयर करूँ और किसी को हॉट एंड कोल्ड एसी ही लेना है तो ये एक बेटर चॉइस हो गई, क्योंकि 46,000 सेम प्राइस सेगमेंट सेम प्राइस रेंज जो हॉट एंड कोल्ड एसी नहीं है, जो नॉर्मल इन्वर्टर एसीज हैं उनकी ही प्राइस सेगमेंट में ही आपको मिल रहा है सेम आईसी। और कूलिंग कैपेसिटी की बात करो तो 5200 वाट की 100% कूलिंग कैपेसिटी पे ये वर्क करेगा, मींस 1.48 टनेज इसकी रियल टनेज कैपेसिटी है, कूलिंग कैपेसिटी है, तो काफ़ी इफेक्टिवली ये वर्क करने वाला है। 5 आईसी और 5200 वाटेज की, जो सम अप करके अगर आपके एरिया में हाई टेम्परेचर जाता है अबव 44-43 डिग्री रहता है मोस्टली टेम्परेचर काफ़ी दिनों तक, तो ये एसी डेफिनेटली आपकी एक परफेक्ट चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि ये विंटर में भी काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यूनिट कंजम्पशन इसकी समर डेज के अकॉर्डिंग ही ये यूनिट कंजम्पशन ली जाती है, 795 यूनिट्स पर ईयर ये ले रहा है। 5200 वोल्टेज, 5.155 की आईसी, देन 46,000 का प्राइस, देन 5-in-1 कन्वर्टिबल, देन इसमें आपको
PM2.5 फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा, 795 यूनिट्स पर ईयर इसकी यूनिट कंजम्पशन है, प्लस 1 ईयर प्लस 4 ईयर प्लस 10 ईयर की वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी। 4 ईयर की वारंटी आपको जो है कंपोनेंट प्लस पीसीबी पर है, जिसमें कंपोनेंट इंक्लूडेड है लॉयड की तरफ से। ये एक बेटर चॉइस हो सकता है, बस हो सकता है जिनका बजट टाइट है वो 46,000 रुपीज के लिए ना जा पाए, लेकिन जिनका बजट टाइट है तो वो 39,000 रुपीज का जो गोदरेज का मैंने बताया है उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आईसी रेटिंग ठीक है और टनेज भी ठीक है, अबव 5,000 का ही टनेज है वो भी ठीक है, प्लस कन्वर्टिबल आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप जा सकते हैं या फिर आप हिताची के लिए जा सकते हैं। तो चॉइस आपकी कि आपको 3-स्टार एसीज बजट टाइट है तो हिताची, गोदरेज और वोल्टास ये देख लीजिएगा। पैनासोनिक में सजेस्ट, चॉइस आपकी कि पैनासोनिक और डाइकिन के लिए जाना है। पैनासोनिक 45,000 समथिंग का है और डाइकिन 47,000 रुपीज का है, ये 46,000 रुपीज का है लॉयड का 5-स्टार, बाकी सारे तो 3-स्टार्स हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4-स्टार मॉडल भी अवेलेबल है, बट जो 4-स्टार मॉडल अवेलेबल है वो 2722 मेड है जून एक्चुअली में, जो ये बी स्टैंडर्ड से जो स्टार रेटिंग्स डिनोट की गई हैं, जो स्टार्ट हुई थी जून 2022 से, तो जो भी उससे पहले के मॉडल है ना उनमें आप एक स्टार रेटिंग कम कर लीजिए, मींस वो 3-स्टार एसी ही है इन रियल, लेकिन लोग उसको अगर 4-स्टार एसी लेकर समझ के ले रहे हैं तो वो एक गलत परचेज कर रहे हैं। अब आप लोग तो नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग बेस्ट खरीदों को देख रहे हैं, तो फैमिली में शामिल हुए कि नहीं अभी तक। वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, उन काफ़ी लोगों तक ये पहुंचना है अपने को ताकि वो सब लोग बच पाएं, एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद पाएं। और नीचे लिंक गिवन है, पता नहीं क्या करना है, कभी भी शॉपिंग करनी है तो नीचे लिंक्स यूज़ कीजिए, ताकि थोड़ी सी जो अर्निंग होगी उससे मैं इस चैनल पर काम कर पाऊँ, बड़े लेवल पर काम कर पाऊँ और अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ। आप लोगों के लिए ही बेस्ट खरीदो है, क्योंकि अब से इंडिया खरीदेगा बेस्ट प्रोडक्ट हर बार। तो अच्छी शॉपिंग कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगा मैं सबके रिप्लाई करने की। और तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई हेल्प के साथ। हो सकता है आपसे फिर मुलाकात होगी, हो सकता है कि नए लोगों से मुलाकात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, नमस्ते।